हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड डी विलेज लाइफ में, उत्तराखंड विलेज लाइफ में। तो रात का बज गया है आपका 10:15, 10:15 हो चुके हैं और मैं जो हूँ एक फिर से अपने 15 सालों से चल रहे संघर्ष को एक बार फिर से जारी करने का छोटा सा प्रयास करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये है मेरा जो सब्जेक्ट था वो था हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट था। तो मन करता है कभी कभी कि थोड़ा सा लाइफ को चेंज करने की फिर से कोशिश करूं। 15 सालों की कोशिश तो मेरी नाकाम रही, 14 साल 15 साल लग गया। तो सोच रही हूं कि क्यों ना एक छोटी सी कोशिश और की जाए, क्या पता कब किस्मत करवट बदल ले, कब किस्मत चेंज हो जाए। तो इसी कोशिश में मैं लगी हूँ कि क्या हो क्या ना हो। ये है मेरे पिछले साल का रजिस्टर, पिछले साल कई रजिस्टर ऐसे मैंने भर के रखे हुए। ये मतलब मैं जब नोट्स बनाती थी, जब मतलब मैं किसी भी चैनल से जब पढ़ती थी, मैंने एक चैनल से मैंने थोड़ा सा मतलब मैंने कोर्स लिया था, ख़रीदा हुआ था जब मैंने लेक्चरर कर लिया था। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद भगवान की कृपा हो ही जाए, मेरी मेहनत काम ले, मतलब काम आ जाए। तो मैंने ये गत्ते पे जहाँ मुझे मतलब मिलता था जगह, वहीं पे मैं लिख लेती थी बुक के हर पेज में। तो जब पता है कि मैं ये पूरा मैंने ये भरा हुआ है, ये देखिए, ये पूरा रजिस्टर ही भरा है। ऐसे मैंने कई सारे रजिस्टर भरे हैं। और राइटिंग तो खैर आप राइटिंग पे मत जाना, जैसे तैसे अपने आप अपने लिए टाइम निकाल के, क्योंकि मेरा दिन भर इतना बिजी रहता है कि मैं अपना कभी कभी तो मैं अपने बाल तक नहीं बनाती हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा। कभी कभी मैं आपको रियल में बताऊँ तो मुझे ना बाल बनाने की याद भी नहीं रहती, कभी टाइम नहीं लगता, ऐसा हो जाता है। और शक्ल ऐसी हो रही है कुछ टेंशन से, कुछ अपनी मतलब केयरलेस होने की वजह से, कुछ अब टेंशन से चेहरे पे कभी रौनक आई नहीं। 40 पे मैं पहुँचने वाली हूँ लेकिन चेहरे पे कभी रौनक आई नहीं, पता नहीं कब ये बुढ़ापा सा, एक तरफ से बुढ़ापा ही आ गया, पता ही नहीं चला। तो सोच रही मैं एक कोशिश और करूं, क्या पता किस्मत इस बार साथ दे दे। आप लोग भी भगवान से दुआ करें कि काश मेरी किस्मत चमक जाए, कहीं से तो मेरी किस्मत साथ दे। वाला रजिस्टर भी मैं जिस पर अभी लिख रही हूँ, इस पर भी मैंने आगे से लिखा हुआ है, ये पूरे तरीके से लिखा वैसे मैंने अपने हिसाब से। तो ये यहाँ भी मैंने इसके आगे गत्ते पे लिखा है और ब्लैक और ब्लू पेन से लिखा है क्वेश्चन आंसरिंग, कहीं पे रेड पेन से भी लिखा है ऐसे देखिए। ये भी आगे पीछे से भरा मैंने कहीं कहीं पर किसी किसी तरीके से। ये देखिए पूरा ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सारा जितना मतलब जैसा जैसा मुझे जहाँ जहाँ से पकड़ में आता है वहीं वहीं से मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। तो बताइए दोस्तों, क्या इस बार मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊँगी? कुछ पता नहीं है भैया, टाइम भी नहीं लगता पढ़ने का, लेकिन ये है कि कोशिश देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट फॉर मी, और क्या ही बोलूँ। इसी के साथ ही मिनी ब्लॉग पढ़ती हूँ बंद। बाय बाय, गुड नाइट।